राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर अवध में चारों ओर हर्षोल्लास छाया है। शनिवार को विधायक डॉ. नीरज बोरा के नेतृत्व में लखनऊ की विभिन्न संस्थाओं ने ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली। निराला नगर स्थित शक्ति कुंज से डालीगंज बाबूगंज आईटी हनुमान सेतु होते हुए खाटू श्याम मंदिर तक निकली शोभा यात्रा के दौरान राम दरबार से सजे रथ को श्रद्धालुओं ने हाथ से खींचते हुए जय श्री राम के नारों के साथ नगर भ्रमण कराया। वही मार्ग में दादी परिवार एडवोकेट SB शर्मा महर्षि अरविंद घोष सांस्कृत मिलन द्वारा शोभा यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन भारत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ श्याम प्रेमी संघ श्याम परिवार दादी परिवार राधा स्नेह दरबार डालीगंज हसनगंज व्यापार मंडल के साथ व्यापारियों समाज सेवियों व नगर की विभिन्न संस्थाओं ने शोभा यात्रा के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पास मेरा नाम SB शर्मा एडवोकेट है। मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ हाई कोर्ट में। और ये जो शोभा यात्रा है ये हमारे 500 साल की प्रतीक्षा की यात्रा है। बहुत शुभ घड़ी है कि आज रामलला जी हमारे यहाँ आने वाले हैं 22 तारीख को, और उसी को उपलक्ष्य में हम सारे हिंदू लोग जितने हैं सनातनी लोग सब यात्रा मना रहे हैं। खुशी है, अपार खुशी हम लोगों के बीच में। आज जो इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकाली है, करीब 10,000 आदमियों की यात्रा आज हमारे लखनऊ में हो रही है, और ईश्वर चाहेगा तो जल्दी ही श्री राम जी के भी दर्शन होंगे। सर, इतने सालों की प्रतीक्षा के बाद ये पल आ रहे हैं, कैसी अनुभूति है आपकी? देखिए, अनुभूति क्या, ये अपार खुशी है। और 500 वर्षों के बाद ये जो खुशी का अवसर आया है, इसको आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। कि आप जो अभी हम लोग यात्रा में निकले हैं, पूरी जनता हम लोगों को विदा करने चल रही है, हम लोग का यात्रा, हमारे सेठ जी सारे नगर के लोग, तो आप खुद अनुभव करेंगे। आप लोगों ने देश विदेश हर जगह के मीडिया को देखा है, ये पहली बार है कि विश्व राम प्रकट उत्सव मना रही है जी। ये पहली बार है, ये राम जन्म के बाद या राम लल्ला के अयोध्या वापस आने के उत्सव के बाद, ये हमें लगता है शायद ऐसी परंपरा हिंदुस्तान का मैसेज पूरा विश्व मना रहा है। तो आप खुशी का अनुभूति नहीं कर सकते, बहुत संतों में लहर है। आज तो हम लोग अयोध्या जी जा रहे हैं, 22 तारीख को रामलला के उस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे। 23-24 को हम लोग वहाँ की मिट्टी, वहाँ का प्रसाद लेकर आएंगे, नगर भ्रमण होगा, और तब तक अखंड ज्योति जलाकर संत महंतम जितने भी मंदिर मठ हैं साफ सफाई पूजन हवन हो रहा है। तो आप देखिए, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति को हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोगों ने अपना नेता माना है, अगुआ माना है, देश का नेता माना, उसके नेतृत्व में संत समाज के नेतृत्व में पूरा समाज चल रहा है। देखिए, पहले कहावत थी संत और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, अब आपको ये दिख रहा है कि संत के बिना समाज अधूरा है, समाज के बिना संत अधूरा है। अब राम जी के आने के बाद आप अयोध्या की दशा और छटा देखें, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। तो ये बड़ी आह्लादित और बड़ी आनंद कर देने वाला क्षण है। आज केवल हम लोग खुशी का उत्सव मनाएं। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ अवध प्रांत का महर्षि अरविंद सांस्कृतिक मिलन चलाते हैं, जिसमें हम जो है ये कम उम्र के व्यापारी बंधु आपस में मिलके हम लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की हमको प्रेरणा मिली है, उसके लिए हम लोग चलाते हैं ये शोभा यात्रा। के अलावा हमने 11,000 दिए के पैकेट पूरे लखनऊ भर शहर भर में बांटे हैं, जिसमें दियो के साथ दिए की बाती, तेल बाती, माचिस की डिब्बी का एक पैकेट। 22 जनवरी से पहले की तैयारी है, जो भी संत महात्मा आ रहे हैं, कल हम लोग मनकामेश्वर मंदिर से बच्चों को लेके जाएंगे, स्वस्ति वाचन करा के रेलवे स्टेशन पे उनका स्वागत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, जो भी संत महात्मा हमारे शहर में पधार रहे हैं, ताकि उनको हमारे सनातन संस्कृति के हिसाब से उनका हम लोग स्वागत करें, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। इससे भगवान राम का आगमन है, इससे शुभ घड़ी और क्या हो सकती है। हमारे इतने सालों के अथक प्रयासों के बाद और हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समक्ष प्रमुख
लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने हम लोगों को इतना ज़्यादा उत्साहित कर रखा है, जब कुछ कह नहीं सकते, मन करता है कि सब कुछ अर्पण कर दें। शोभा यात्रा निकली है जो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर लखनऊ में जगह जगह पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। दागिन परिवार ने आज इसका स्वागत किया, कैसा महसूस कर रहे हैं सर, कितने उत्साहित हैं? देखिए, बड़े सौभाग्य का दिन है जो 22 तारीख को राम जी का नवनिर्माण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और दादी परिवार का पूरे समूचे भारत में लहर है कि भगवान का ऐसा मौका हम लोग को मिला है, तो हम लोग तो बहुत प्रसन्न है और दादी परिवार को सौभाग्य मिला है कि यहाँ पे उसका स्वागत करने का अवसर मिला है। जो नीरज भैया हमारे उत्तर क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने एक यात्रा निकाली है तो उसमें हम लोग को परम सौभाग्य मिला है, उनका स्वागत किया, राम जी का स्वागत करने पड़ो सच्चे दरबार की। देशभर दिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।